क्या आपको पता है कि लैरिया पॉलीमोर्फा नाम का एक ऐसा फंगस होता है और ये दिखने में ऐसा लगता है कि ये किसी मरे हुए इंसान का फिंगर बाहर निकला है जमीन से। इसका साइंटिफिक नेम लैरिया पॉलीमोर्फा है और ये डेड मैंस फिंगर फंगस के नाम से भी जाना जाता है और ये लिटरली बहुत डरावने होते हैं और ऐसा लगता है कि फिंगर निकला हुआ है और उस पे फिंगरप्रिंट्स बना हुआ है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 21, जब भी पेड़ कटता है तो उसको वुड बनाया जाता है, लकड़ी। तो वो कैसे कटता है, मतलब देखो एक स्टेम है, ठीक है, इसको कैसे इफिशियंटली काटा जाता है, तो उसका आप ये देखो ऐसे, ये जो आप जैसा देख रहे हो कुछ ऐसे शेप में काटा जाता है। मिडिल पार्ट को सबसे मोटा उसको रखा जाता है क्योंकि वहां सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है और ये एक पेड़ के स्टेम को काटने का सबसे इफिशियंट तरीका माना जाता है लकड़ी के यूजफुलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फैक्ट नंबर 20, इस्तांबुल में बहुत फेमस अपार्टमेंट्स है जो कि वहां के माइनक्राफ्ट अपार्टमेंट नाम से फेमस है। क्या है ये? असल में ये मल्टी कलर अपार्टमेंट है जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो और ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई कार्टून हो या फिर गेम का कोई बिल्डिंग हो, बट ये रियल पिक्स है, रियली एक माइनक्राफ्ट वाइब आ रही है इसमें से। फैक्ट नंबर 19, आईफिल टावर, ये जो फेमस टावर है, ये जब कंस्ट्रक्ट हो रहा था तब ना इसका जो पेंटिंग का काम था वो सबसे रिस्की कामों में से एक था उस टाइम के सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के हिसाब से। आप देख सकते हो कि ये लोग कैसे पेंट करते थे। ये है ऑफिशियल पिक्चर आईफिल टावर के पेंटिंग का और आप देख सकते हो कि कैसे खड़े होकर, शहर के इतने ऊपर खड़े होकर ये लोग पेंट कर रहे हैं आईफिल टावर को। फैक्ट नंबर 18, बैट को तो आपने देखा ही होगा, चमगादड़ ऐसे दिखते हैं, बट एक बहुत ही वियर्ड सा बैट होता है, हैमर हेड बैट नाम का, और ये लोग ना चिकन पे अटैक करते हैं। ये देखने में काइंड ऑफ एक घोड़े की तरह दिख रहा है ना, और ऐसे बैट जो होते हैं वो एक एक बैट 30-30 साल तक जीते हैं और कुछ कुछ इबोला वायरस भी कैरी करते हैं। फैक्ट नंबर 17, आपने जीब्रा को देखा है, आपने डोंकी को देखा है, जोंकी को देखा है, ये है जोंकी। जब ये जीब्रा जेब्रा जो भी होता है ये और डोंकी के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग होता है जो साइंटिस्ट करते हैं, तब जोंकी निकलता है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 16, कुछ कुछ जगह पे घरों के बाउंड्रीज या फिर वॉल पे ही कई पेंटिंग होते हैं यूनिक से। ग्राफिटी के बारे में मैंने आपको एक बार बताया था जो रियलिस्टिक बाउंड्री पे पेंट होता है कुछ इस तरह, उसमें से सबसे अमेजिंग ग्राफिटी आप देखो, ये ऐसे बनाया गया है इस पेंट को और इसमें कई मटेरियल्स यूज किए गए हैं कि रियल आग लग रहा है, और शाम का ये पिक है तब भी ये कितना रियल लग रहा है और इसको एकदम रियलिस्टिक वाइब देने वाला बनाया गया है, ग्राफिटी पेंटिंग कहते हैं इसे, इट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 15, जिस तरह ये होता है गेम का चैंपियनशिप आजकल, जो लोग मोबाइल गेम्स खेलते हैं उसका पैसे का चैंपियनशिप होता है, आप अवेयर ही होंगे बहुत सारे गेम्स का, तो जो दुनिया के सबसे पहले गेम्स में से एक था स्पेस इन्वेडर्स 1980 का, उस टाइम भी बड़े बड़े डब्बे वाले मॉनिटर पे चैंपियनशिप होता था और आप एक ऑफिशियल पिक देखो कि गेमर लोग पार्टिसिपेट किए हैं स्पेस इन्वेडर चैंपियनशिप 1980 में, जो कि वीडियो गेम का जो टूर्नामेंट होता है उसमें से सबसे फर्स्ट टूर्नामेंट था, पूरे हिस्ट्री का सबसे फर्स्ट पब्लिक वीडियो गेम टूर्नामेंट ये था। फैक्ट नंबर 14, पहले आप मैप पे देखो कि बेल्जियम जो कंट्री है और नीदरलैंड्स दोनों कहाँ कहाँ है, आप देख सकते हो कि दोनों नेबरिंग कंट्रीज है, पड़ोसी, तो इसका जो बाउंड्री है ना वो बहुत ही यूनिक है, मैंने आपको सब पहले भी दिखाया है, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी के देखो बाउंड्री पे एक कैफे मौजूद है और जो कैफे के इस साइड बी लिखा हुआ है वो ऑफिशियली बेल्जियम कंट्री का जगह है और जो एनएल लिखा हुआ है ये नीदरलैंड्स का जगह है। फैक्ट नंबर 13, ये दुनिया के सबसे अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है और ये आईफिल टावर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है। आईफिल टावर को जब मैंने देखा था तो मुझे कभी लगा नहीं था, क्या आपको पता है कि आईफिल टावर के टॉप पे ऐसा कुछ दिखता है, आईफिल टावर का जो टॉप है उसमें अपार्टमेंट है और उसमें कई बेडरूम है, किचन है, बार है, बार रेस्टोरेंट सब मौजूद है आईफिल टावर के टॉप वाले जगह पे और वो कुछ ऐसा दिखता है, ये मेरे को नहीं पता था ऑनेस्टली। फैक्ट नंबर 12, गोट यानी जो बकरियां होती है उनका आप मुंह के अंदर का पार्ट ये देखो, उनका कोई अपर टीथ नहीं होता है, उनका अपर टीथ नहीं होता है, जस्ट डेंटल पैड मौजूद होता है, लेकिन सामने में नहीं होता है, अंदर जो है
अंदर में होता है, इसलिए वहां से वो खाने को चबाती है। That's गजब about goats. Fact number 11. ये दुनिया से अमेजिंग पिक्स में से एक है और आप इसमें देख सकते हो कि नेचुरली दो पेड़ ऐसे हैं जो कि ऑफिशियली कनेक्टेड हैं। किसी को नहीं पता कि ये रैंडमली ऐसे कैसे कनेक्ट हो गए हैं, बट ऐसा कई जगह पे देखा गया है कि पेड़ बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं, दोनों का ब्रांच कनेक्टेड है। फैक्ट नंबर 10, कोई भी जगह का जो टिकट होता है उसमें टिकट नंबर होता है, तो आपके किसी भी घर के पास का पार्क हो या कुछ भी हो, टिकट नंबर होता है, नंबर में डिजिट रहता है एंड वो डिजिट सेल्स को दर्शाता है। इसे अगर आपका टिकट में मान लो 44,544 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप 44,544वें टिकट खरीदने वाले हो। नंबर वाइज इसका मतलब जब वो प्लेस सबसे पहले ओपन हुआ होगा तब जो नंबर वन फर्स्ट टिकट खरीदा होगा उसका नंबर होगा 000001 पहला। तो आप देखो डिज्नीलैंड जो जगह है वहां का ऑफिशियल ये टिकट है, और ये वॉल्ट डिज्नी उनके ओनर के ब्रदर पहली बार खरीदे थे रेओ डिज्नी, और उनको ये टिकट मिला था $1 में, और आप यहाँ पे नंबर देख सकते हो इस डिज्नीलैंड के टिकट पे लिखा हुआ है 00001। मतलब ये एक हिस्टोरिकल पिक्चर है जो कि दिखाता है डिज्नीलैंड के फर्स्ट टिकट पे इसपे 00001 लिखा हुआ। फैक्ट नंबर 9, कुछ कुछ फल बहुत ही यूनिक शेप के निकल जाते हैं, उसमें से मैं आपको और एक दिखाना चाहता हूँ। यह है स्ट्रॉबेरी, और इसमें बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज अटैच्ड हैं और एक काइंड ऑफ हार्ट शेप का दिख रहा है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 8, एक बहुत ही फेमस कैट है जो कि इंटरनेट पे फेमस भी है। ये कैट, ये मल्टी कलर कैट है और इसके बारे में बहुत सारे आपको नेट पे आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, और आप इस कैट के यूनिक कलर को देख सकते हो। तो इसके दो बच्चे हैं एंड अमेजिंगली इसके बॉडी का जो यूनिक कलर है इसके बच्चे का भी देखो, ये इंडिविजुअल जो उसके बॉडी का दो कलर था वैसे ही एक एक बच्चे को कलर मिल गया। एंड दैट्स फैक्ट नंबर 7, टॉर्टोइज यानी कछुए जब छोटे होते हैं तब कुछ ऐसे दिखते हैं, तो जब बड़े होते हैं तो कितने बड़े हो जाते हैं। तो मदर टॉर्टोइज के सामने जो बहुत सारे बच्चे टॉर्टोइज होते हैं ना, तब आपको कुछ ऐसा व्यू देखने मिलता है। ये देख सकते हो कि कितना ह्यूज सा टॉर्टोइज है जो कि ऐसे ही गार्डन में चल रहा है और सामने छोटे छोटे बच्चे लोग हैं। फैक्ट नंबर 6, इटना वॉल्केनो, इटली का एक वॉल्केनो है एंड ये एक्टिव हो रहा है इस साल। ये बहुत ही एक अजीब सा वॉल्केनो है और इसके अंदर से बहुत हीट निकलती है। अगर आप इसके सबसे अमेजिंग पिक को देखोगे तो नाइट टाइम का ये पिक देखो, कैसे इसके अंदर से ये निकल रहा है और कैसे ग्लोइंग दिख रहा है। ये इसी साल का पिक्चर है, साल 2021 का। फैक्ट नंबर 5, जो फेमस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो एक्चुअली जो आप देख सकते हो कितना बड़ा है, और ये इतने किलोमीटर्स का है और ये बहुत ही ज्यादा लंबा है। मतलब ये खत्म कोई एक चल के जाए तो इतना टाइम लग जाएगा। एंड ये बहुत फेमस है, आप भी बचपन में सुने होंगे यहाँ चाइना का ग्रेट वॉल है, उस वॉल का एंडिंग भी है एक जगह एंड आप एंडिंग को देख सकते हो। ये है वो प्लेस जहाँ पे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना समुद्र को मिलता है, ये लिटरली समुद्र पे ही जाके खत्म होता है। आप इस पिक में देख सकते हो लहरें जो है वो टच भी करती है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को। फैक्ट नंबर 4, ये भी साइंस के नजर पे सबसे अमेजिंग फैक्ट में से एक है। मैं आपको कई पहले आर्टिकल्स दिखा देता हूँ और इसमें आप देख सकते हो कि एक लड़की का पिक है, तो इन आर्टिकल्स में यही लिखा हुआ है कि एक जगह साइंटिस्ट को 5,700 साल पुराना एक च्युइंग गम मिला। अब पता नहीं 5,700 साल पहले च्युइंग गम कैसे बना था, बट उस च्युइंग गम को किसी ने चबाया होगा, तो उस च्युइंग गम में डीएनए जो है, जो भी व्यक्ति उसको चबाया होगा वो डीएनए अभी तक उसमें मौजूद है और उससे बहुत कुछ पता कर सकते हैं साइंटिस्ट्स। तो जो चबाया वो कैसा दिखता है ये पता करना चाहते थे साइंटिस्ट्स, एंड बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद ये पता चला कि जो इस च्युइंगम को चबाया होगा वो असल में कुछ ऐसी दिखती है। 5,700 साल पहले ये च्युइंगम डेनमार्क में मिला था और एक बालू यानी सैंड के नीचे ये च्युइंगम दबा हुआ था, और इसके अंदर जो जीनोम मिले थे जीनोम से ही चबाने वाला कैसा दिखता है उसको कंस्ट्रक्ट किया सिमुलेशन में साइंटिस्ट ने। बट अभी भी ये मिस्ट्री है कि ये कितनी अजीब बात है 5,700 साल पहले च्युइंगम। फैक्ट नंबर 3, मैनिल डॉट्स नाम के एक इंसान ने एक अमेजिंग सा, पहले आप देखो इन्होंने क्लॉथ स्प्रे निकाला है, मतलब कपड़ा जो है ये नहीं पहनना होगा आपको, आप नहा धोवा के आए मस्त एंड
एंड बस वो कपड़ा बन जाएगा। और आप देख सकते हो कैसे ये क्लॉथ को पहन रहे हैं, स्प्रे क्लॉथ में बदल जाता है मॉलिक्यूल्स को अपने आप में बाइंड करके। कैसा टेक्नोलॉजी है बाप रे। फैक्ट नंबर टू, वाइकिंग्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा। वाइकिंग्स जो है वो बहुत ही एडवांस्ड थे, सबको जानता है, उनका दिमाग टेक्नोलॉजी बहुत था। तो उस जमाने का एक एक्स साइंटिस्ट को मिला ये काटने वाला, और ये 1030 साल पुराना है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। कार्बन डेटिंग टेक्निक से इसके एज को पता किया गया और ये डेनमार्क में मिला था। तो आप देख सकते हो कि इस एक्स के ऊपर भी कितना बारीक वर्क है, और ये रियली अमेजिंग है कि उस जमाने में इतना डिटेल और परफेक्ट कारीगरी विदाउट एनी मॉडर्न चीजें कैसे किए, दैट्स रियली अमेजिंग। वाइकिंग्स के जमाने का एक रियल एक्स का पिक आप देख रहे हो, और आप इसके डिटेल पे गौर कर सकते हो। नॉर्मल काटने के लिए यूज करते होंगे वो लोग, बट उसपे भी कितना एक्चुअली कितना वर्क किए हैं, अमेजिंग है। फैक्ट नंबर वन, टूथपेस्ट जब ब्रश करते हैं तब कभी कभी ब्रश करते टाइम वो हम लोग के अंदर चल जाता है, तो क्या इससे कोई दिक्कत है? तो ऑफकोर्स ये जो कॉमन बात है कि हाँ थोड़ा सा चल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लार्ज मात्रा में चला गया तो क्या दिक्कत है? या फिर पहला केस ये कि ब्रश करते टाइम वो जो फोम होता है वो गया, और दूसरा केस ये है कि कोई टूथपेस्ट का जो ट्यूब होता है उसको ऐसे खोला और ब्रश में ऐसे डालने के बदले अपने करके पूरा, फिर क्या होएगा? तो आंसर ये है कि अगर वैसा कोई कर लिया तो उसका अतणी चल जाएगा ऊपर। लगभग वर्ल्ड के हर टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, एंड फ्लोराइड इसलिए होता है ताकि कैविटीज नहीं हो और आपका दांत हेल्दी रहे, ये उसका साइंटिफिक प्रॉपर्टी है फ्लोराइड का। एंड दुनिया के बहुत चीजों में फ्लोराइड होता है, पानी में, मिनरल वाटर में होता है, कई साग सब्जियों में भी पाया जाता है फ्लोराइड। तो जो मेन कंटेंट है टूथपेस्ट का वो कोई खतरनाक नहीं होता है, बट उसके साथ अलग अलग केमिकल्स भी होते हैं, और टूथपेस्ट को ऐसे इनहेल करेगा कोई ब्रश करते टाइम, तब अगर चला गया पेट में तब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो पेट ब्रेक कर देगा और पेट के लिए नॉन केमिकल है फ्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा ज्यादा भी चल गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे हम लोग को इनहेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी कई केमिकल होते हैं ऐसे कंटेंट्स में देखने पर लगेगा कि हाँ कुछ होते हैं, बट एक्चुअली में अगर शुरू से प्रोसेस देखे हैं केमिकल्स का तो वो बहुत ज्यादा ही है, और सब थोड़े मात्रा में बॉडी में जाएगा तो वो टॉक्सिक होगा ही। इसलिए हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि यहाँ से नीचे नहीं उतरे, वो बाहर ही जाए। चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मेन कंटेंट जो है वो पेट के लिए नोन है, और ट्राई करना चाहिए नहीं इनहेल करने का, बट हो गया तब कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म। और एक बात आपको बता दूं, पहले के टूथपेस्ट में ना कुछ नहीं होता था, कोई फ्लेवर नहीं, रॉ केमिकल जैसा फील होता था पहले जब नया नया टूथपेस्ट आया था। धीरे धीरे क्या हुआ कि कंपनीज उसमें फ्लेवर निकालने लगी, चॉकलेट फ्लेवर, ये फ्लेवर, तो उससे क्या हुआ गया कि सबको यूज करने लगा, मतलब इफेक्ट हुआ लोगों पे, एंड बच्चे भी इंटरेस्ट लेने लगे। बट इसका डार्क साइड ये था कि बच्चे खाने भी लगे चॉकलेट को, और अगर कोई पाउच खोल के ऐसे पी ले तो फिर उसका जाना पक्का है, क्योंकि जब ब्रश किया आया था तो वो पानी के साथ मिलके डाइल्यूट होता है हल्का सा, जो कि उसको ब्रेकेबल बना देता है, अगर पेट में चल गया तो कुछ नहीं होगा। बट अगर उसको रॉ फॉर्म में ले लिया, ग्लू फॉर्म में, तो वो पेट को डैमेज कर सकता है और ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है परमानेंटली, ये बात है। तो ये थे कई सारी बातें टूथपेस्ट के बारे में, इसलिए ट्राई करो कि एक भी बूंद नहीं जाए, और इसलिए बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि मत इनहेल करो एक भी बूंद, और हमें खुद तो करना ही नहीं चाहिए। सो दैट वाज इट। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मैं